लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये काफी लंबा छक्का बाउंड्री लाइन के बाहर। जब मैं दुकानदार की तरफ अप्रोच करता था वहां से दुकानदार चल के मेरी तरफ आता था 10 रुपए लेके हाथ में। उसको लगता था शायद कि ये भीख मांगने आया है। मैं कहता था अरे भाई मुझे माफ कर दो, मैं भीख मांगने नहीं आया हूं, मैं खरीदारी करने के लिए आया हूं। आगे आए पॉल किया शहजाद ने, वेल दैट्स अ सिक्स। ये बिल्कुल बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से गेंद, 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर, 150 कम्स अप। सश्विनी पेपरन पांचवनी पेपरन आई मैं मोज सत्य ग्राउंडस मे तथा बेहान योत्न तम पेपर उस मकलान दिख। उसी इंसान ने इस साल 2000 किलोमीटर ट्रेवल करके यहां से वहां 4000 किलोमीटर वो भी अकेले। मेरा नाम इरफान भट है, जैसा कि सब जानते हैं मैं श्रीनगर के बालहामा इलाके से ताल्लुक़ रखता हूं। यहां पे जो ये माहौल देख रहे हैं ये कहानी है आज से 3 साल पहले की जब शुरू हुई और आज तक सफ़र जारी है। ज़माना काफ़ी तेज़ है और मेरा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है और मेरी जो ऑब्जर्वेशन है मैं काफ़ी कम टाइम में बहुत कुछ हासिल करना चाहता हूँ। मेरे कंधों के ऊपर खाली एक कमेंट्री की जिम्मेवारी नहीं है बल्कि मेरे कंधों के ऊपर एक तबके की जिम्मेवारी है जो कि एक स्पेशली एबल्ड तबका है। तकरीबन 1994 की बात है, काफ़ी छोटा था मैं, वॉज जस्ट 4 ईयर्स ओल्ड। तो अनफॉर्चुनेट फॉर मी कि मैं पोलियो का शिकार हो गया, लेकिन फिर एक बेहतरीन जहन तैयार करके समाज के सामने आना। इंसान जब तक मुश्किलात फेस नहीं करता है, हिंड्रेंसेस फेस नहीं करता है, वो एक कामयाब इंसान नहीं बनता है। मैं समझता हूँ इन सब चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके एक स्पेशली एबल्ड इंसान जब कामयाब होता है, जब कामयाबी की राह चुनता है, तो सारी दुनिया उसको सैल्यूट करती है। जो मैंने ऑन ग्राउंड फेस किया है वो सब चीज़ें अवाम तक पहुंचा रहा हूँ ताकि कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी है समाज में हमारे तई वो उनके जहनों से दूर हो जाए। सबसे पहले बड़ा चैलेंज होता है कि पढ़ाई, स्कूल जाना, कम्युनिकेट करना, आना जाना वगैरह, ये सब चीज़ें बैग कैरी करना। जब मैं पोलियो का शिकार हुआ तो बड़ा चैलेंज रहा मेरा स्कूल जाना। उसके बाद तकरीबन तीन चार साल ब्रेक रहा एंड आई वाज 7 ईयर्स ओल्ड जब मुझे स्कूल में मेरा दाखिला कराया गया। चैलेंज था 10वीं जमात तक मेरा वहाँ आना जाना क्योंकि ज़्यादा मैं चल नहीं सकता था, लेकिन मेरी फैमिली का घर वालों का इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। आप एक डिफरेंटली एबल्ड हैं और आपको नॉर्मल इंसानों के साथ उठना बैठना है, तो ये सब चीज़ें मैंने फेस की हैं। देन आफ्टर आई वेंट टू SP हायर सेकेंडरी आफ्टर माय मैट्रिकुलेशन, और यहाँ से घर से ट्रेवल करना 12 किलोमीटर्स गाड़ी में, लोकल गाड़ी में इतनी ट्रांसपोर्ट सहूलियात नहीं थी। और उसके बाद अमर सिंह कॉलेज में 3 साल, देन आफ्टर आई वेंट टू यूनिवर्सिटी फॉर BEd एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। मैं अप्लाई करता गया जब भी कभी कोई ये रिक्रूटमेंट्स निकला करती थी तो मैं आप अप्लाई करते थे? बिल्कुल, मैं अप्लाई करता था। मास्टर्स किस में किया? उर्दू में। मेरे वालिद साहब भी बड़े कोशां थे कि मेरे फर्जंद को रोज़गार मिले क्योंकि वो मेरे दर्द से काफ़ी ज़्यादा वाकिफ है। शायद किस्मत को ये करना नहीं था और वो कहते हैं ना कि जिसके लिए आपको बनाया गया है ऊपर वाला उस आपको उसी रास्ते पे गामजन करता है। तो मुझे लगता है कि मेरा जो मैन्युफैक्चरर है ऊपर वाला उसने मुझे इस काम के लिए खलक किया था। जब मैंने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में मैंने अप्लाई किया था फॉर अ जूनियर असिस्टेंट पोस्ट, आई डिड वेल इन द एग्ज़ाम्स और उस एग्जाम के बेस पे मुझे शॉर्ट लिस्ट किया गया था। बट व्हेन इट कम्स टू सिलेक्शन लिस्ट, बट आई डोंट नो कि मेरा नाम क्यों नहीं था उसमें। अभी भी वो फाइल मेरे पास पड़ी है। जोतन लागे सोतन जाने बफ्यूरस विद इन जेंड के यूटी थी
तो बह फ्यूरस आउटसाइड बाकी इन स्टेटन ते मैं यूता कशीर मज कशरन लुकन मज यम जन स्पेशली एबल्ड इंसान छ यहिंद खतर सु डिस्क्रिमिनेशन वोशना सूच न में नेबर किहन बगोस दिल्ली इंडियन व्हीलचेयर प्रीमियर लीग ओस ते चला तो अखत तो वुफ प्लेयर अस ते देयर वर 120 प्लेयर्स जिनके साथ मैं उठा बैठा ठीक है वो व्हीलचेयर क्रिकेटर्स थे उनकी हालत मुझसे बदतर थी मैं बेसाखियों का सहारा लेके चलता हूँ आई डोंट यूज व्हील चेयर एट ऑल लेकिन वो व्यक्ति जो थे वो जो अफराद थे वो व्हील चेयर पर चलते थे तिमन उस पेवान तुम हेको ना यकीन करें दोन नफरन उस पेवान यून तिमन उस पेवान तिम ऐसे पेवान तिमन टॉयलेट ने मैं कहता हूँ खुदा की कसम इंसान को जिंदगी में अगर तुम्हें शाह त्यास नारा हेमत पजन हार सबसे मतलब मैंने अलग थलग बात की क्योंकि बींग ए कमेंटेटर मुझे ऑब्जर्व करना था मिसाल शोंगन टाइम उस वाता बतास बंद गसा बोस सोचस मस पेवान बोस मैं या खुदा मतलब अब किस चीज से मुझे आशना कराना चाहते हो एंड देन अल्टीमेटली आई फेल्ट दैट यस वो ये चीज है कि मुझे इनका दर्द महसूस करना है क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कशीर मज अगर कह स्पेशली एबल्ड आस पत आस कमाउनस लायक तमिस हे कह गर वोल नॉर्मल नेथर दिथ यमन ते खानदर उस करत तिमो वोन में दे टोल्ड मी उन्होंने मुझे कहा कि हम सब की बीवियां जो है वो नॉर्मल है येदन चस न ब शायद लोकन मगर शाह की मश पानन वनन नो नो सबको पता है मेरी मोहब्बत क्या है मेरी मोहब्बत मेरी कमेंट्री है और मेरी शादी भी इसी के साथ है अभी मैं लाल चौक से होके आया हूँ एक बुजुर्ग शख्स था कश्मीर का ही था ही वॉज नॉट नॉन लोकल दुकानदार के पास गया कहा कि खुदाई से तरफ दिखना है क्या दोबनस खुदाई करने रहम माफी था मैंने सोचा बुजुर्ग हैं पता नहीं क्या क्या हालात होंगे इसके मेरे साथ भी ये वाकया पेश आया मैं अक्सर जब भी खरीदो फरोख्त के लिए जाता था लाल चौक जब मैं दुकानदार की तरफ अप्रोच करता था वहां से दुकानदार चल के मेरी तरफ आता था 10 रुपए लेके हाथ में उसको लगता शायद कि ये भीख मांगने आया है It happened many times with me. बहुत दफा ऐसा मेरे साथ हुआ है 10 रुपए जेब से निकाल के मेरी तरफ दे देता मैं कहता था अरे भाई मुझे माफ कर दो मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ मैं खरीदारी करने के लिए आया हूँ तो ये सब चीजें मैं अगरचे मुस्कुरा के कहता हूँ बट अंदर से ये जरूरी नहीं है कि मेरे आंखों से आंसू गिर जाए उस चीज से मैं शायद टूट जाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत कुछ काम करना है मुझे बहुत आगे बढ़ना है उमर हिलाल 17 के व्यक्तिगत योग पर नाबाद 9 गेंदों का केवल सामना किया है अब तक उन्होंने खासा शानदार प्रदर्शन किया है इस पूरे टूर्नामेंट में एक बार फिर से मिड विकेट क्षेत्र में क्या गैप में जाएगी यस और एक बार फिर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर इस बार चौका मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के बहुत बड़े फैन हैं ऐसा है मैं बचपन से लेके कमेंट्री सुनता था इंडियन क्रिकेट टीम की का एक भी मैच मैं मिस नहीं करता था इन में से किसी प्लेयर से मिले आप अभी तक तो नहीं मैं अगर इन तक पहुंचना चाहता हूं वो अपनी काबिलियत से अपने दम से अपने बल से कमेंटेटर बनने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि आपका तबसुरा अच्छा होना चाहिए आप किस तरह से तबसुरा करते हैं चाइल्डहुड से लेके आई वाज अ गुड लिसनर मैं काफ़ी बड़ी बारीकी से मैंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया है आई वाज अ रेडियो लिसनर जिन सब चीज़ों ने मेरे अंदर एक अच्छा तबसुरा निगार तैयार किया कॉन्फिडेंस जिस चीज़ के लिए आपको तैयार करता है वो बहुत बड़ी बात होती है कभी कभार आप देखेंगे बड़े से बड़े डिग्री होल्डर जो कि बोलने में हिचकिचाते हैं और छोटे से छोटे दसी पास बंदे को आप किस तरह से तसव्वुर कर सकते हैं कि वो काफी फ्लुएंट बोलता है जो कितनी ज़बानों में आप इस वक्त कमेंट्री करते हैं डेफिनेटली एट प्रेजेंट आई एम यूजिंग 3 languages मुझे पता है कि bilingual होके मतलब ज्यादा लोग उतना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं लोग कहते हैं कि एक लैंग्वेज पे फोकस करो दैट इज़ वेरी ईजी एक लैंग्वेज को चूज करना बड़ी बात नहीं है आई यूज इंग्लिश सेंटेंसेस हिंदी को मैं मिक्सअप करता हूँ उर्दू को मैं मिक्सअप करता हूँ तो ये जब तीनों लैंग्वेजेस मिलके चलती हैं
कमेंट्री काफी ज्यादा इफेक्टिव बनती है। कहाँ कहाँ जाते हैं इस वक्त? सफर शुरू हुआ है मेरे गांव से लेके, यहाँ मकामी ग्राउंड से लेके, न थमने वाला सिलसिला। वादी कश्मीर में हर जगह, जम्मू में गया, यहाँ हिंदुस्तान में दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से एक क्रिकेट बोर्ड है, तो वो दिव्यांग जनों को क्रिकेट खिलाती हैं, स्पेशली एबल्ड लोगों को क्रिकेट खिलाती हैं, स्टैंडिंग व्हीलचेयर जैसे मैंने जिक्र किया, और ब्लाइंड डीफ एंड डम्ब इन सब लोगों को क्रिकेट खिलाते हैं। तो उसमें मुझे 3 बार मौका मिला है एज अ कमेंटेटर। सूरत गुजरात में, यहाँ से 2000 किलोमीटर ट्रैवल किया मैंने, वो भी अकेले। वो इंसान जो जिसने 8वीं जमात का इम्तिहान दिया यहाँ पांथा चौक में, और मैंने अपनी माँ को साथ लिया, वहाँ 4-5 पेपर्स थे क्योंकि मैं डरता था, मैं घर से बाहर निकला ही नहीं था। एंड ये बात है सन 2004 की। सश्विनी पेपरन, 5वीं पेपरन आई मैं मुंबई सहित, पता ग्राउंडस मस्त तक नसन बिहान जो तुम टाइम पर पेपर उस मकलाओं दिए। उसी इंसान ने इस साल 2000 किलोमीटर ट्रैवल करके यहाँ से वहाँ 4000 किलोमीटर वो भी अकेले मैनेज किया, किस लिए? इस चीज़ के लिए कि मैं लोगों का प्यार पा सकूँ, मैं अपने तबके को रिप्रेजेंट कर सकूँ। एक पर्सनल सवाल होगा जी, कितना कमाते होंगे आप? मैं एक महीने की बात नहीं करूंगी, मैं पर कमेंट्री की बात करूंगी। देखिए, पहले पहले जब मैंने स्टार्ट किया, सो इट वाज फ्रॉम जीरो टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, ऐसे ही मुफ्त में? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिलता था। 10-15 दिन के बाद मौका ऐसा आया कि जब लोगों ने सुना कि यहाँ पे कमेंटेटर हैं, इरफान उसका नाम है, और बड़ी जबरदस्त कमेंट्री करता है, पामपोर की टीम आई यहाँ, इट वॉज आउट ऑफ माई नेटिव विलेज। जब वो आए तो उनकी टीम में एक शख्सियत थी गवर अमान साहब जी, और वो एक लैंग्वेज ट्रेनर है। उन्होंने डिमांड किया मुझे, मुझे ढूंढा गया, मुझे फोन कॉल आई कि आपको ढूंढ रहे हैं। अच्छा। आपको कमेंट्री करनी है। सो व्हेन आई वेंट टू द प्ले फील्ड आई स्टार्टेड कमेंट्री, और मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि वहाँ पे लैंग्वेज ट्रेनर है। अच्छा। मैं ऊपर वाले का शुक्र करता हूँ कि मुझे पता ही नहीं था जब तक मैच खत्म ना हुआ। और जब मैच खत्म हुआ, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में मैंने जब मैन ऑफ द मैच को अनाउंस किया, तो वहाँ से कैप्टन साहब आए, वही गवर अमान साहब। सो उन्होंने 1000 रुपये जेब से निकाले, मुझे दे दिए, बोला कि ये गेस्चर है मेरी तरफ से। तो जब उन्होंने मुझे वो 1000 रुपये दिया, आई फेल्ट वेरी शॉक्ड, क्योंकि तब तक मैंने कुछ कमाया नहीं था कमेंट्री से। मैं घर लेके आया, घर वाले भी तब तक सपोर्ट नहीं करते थे, और वो कहते थे कि आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। तो जब मैंने अपनी पहली कमाई दिखाई घर वालों को, सो उस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया। बोसुस गॉड गॉड बना पर तिमन लोकल ग्राउंडस मज दबान उस मे जी तो 1000 रुपये मेशिया डेटा खर्च गसा। कौन इतना मतलब ये करेगा बर्दाश्त? वो 20 रुपये भी मुझे वो नहीं देते थे। आई वॉज जस्ट हैविंग अ कॉमन फोन जो कि मैंने यूज किया एक हथियार के तौर पर, क्योंकि मुझे पता था कि ये मोबाइल फोन इट इज जस्ट अ डिस्प्ले इंसान को, जो मेरे अंदर के कमेंटेटर को लोगों तक पहुंचा सकता है। तो उसके बाद अच्छी खासी कमाई हुई, और आज 2000-3000 भी पर मैच मैं कमाता हूँ। सो इट्स क्वाइट सेटिस्फाइंग। मैं अगर आपको कहूँगा कि मैं एक मंथ का 40-45 से 50 हज़ार भी कमाता हूँ, सो इज देयर एनी नीड उससे ज़्यादा? मैं मुझे कौन सी रिक्वायरमेंट है? यहाँ ये बताना आसान है कमेंट्री, बट जो इसमें मेहनत लगती है और जितने घंटे इसमें लगते हैं एक सिंगल कमेंटेटर को, टेक्नीशियन भी खुद होना वहाँ पे, एक कैमरा से लाइव करना, और उसके बाद कमेंट्री भी खुद करना, यहाँ तक मैं स्कोरिंग भी खुद करता था, 4 घंटे का एटलीस्ट यहाँ लोकल लेवल पे 4 घंटे आपको बोलना है, एंड दैट टू इज विदाउट लोग बोर ना हो जाए आपसे, आपकी कमेंट्री सुन सुन के। आप इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखेंगे, एसी रूम में आपका कमेंट्री बॉक्स सजाया गया होता है, एसी रूम में आपके सामने 3-4 स्क्रीन्स होते हैं, स्कोरिंग का स्क्रीन अलग से होता है, आपके ऑब्जर्वेशन का स्क्रीन अलग से होता है, कॉमन स्क्रीन अलग से होता है, आपके पास खाली माइक होता है, आपको आराम से एसी, आप तस्वुर करें 52 डिग्री टेम्परेचर में मैंने पिछले जून के महीने में दिल्ली में कमेंट्री की है, नीचे बैठ के धूप में, कैन यू बिलीव इट? और वो भी दिन में 3-3 मैचेस, 4-4 मैचेस, 90-100 ओवर एक कमेंटेटर बोलना, वो भी 52 डिग्री गर्मी में।
تتہ سیود باسان انسانس مسلہ ووتھ کیا یہ کمنٹیٹر جو میرے سامنے اس وقت بیٹھے ہیں کیا یہ کرکٹر بننا چاہتے تھے دیکھیے بچپن میں جب میں چھوٹا تھا اپ ٹو دا ایج آف 14-15 تو میں کرکٹ کھیلتا تھا ون ہینڈڈ میں بولنگ بھی کرتا تھا کرکٹ بھی کھیلتا تھا اور شاید کہ اس چیز سے ہی لے کر کے کرکٹ کے ساتھ میری دلچسپی تھی اور کافی زیادہ محبت بڑھ گئی سماج کا نظریہ پتہ تلان سے بیٹ وہ ہم سے گندان یا بہ گھر یہاں پہ ایک کرکٹر ہیں ہمارے کشمیر میں اس کی ایک ہی ٹانگ ہے واز ٹو اے پارٹ آف انڈین ویل چیئر پریمیئر لیگ جہاں پہ انہوں نے کھیلا ہے اینڈ بلیو می جس طرح سے انہوں نے کھیلا ہے نا کوئی بھی مطلب اتنا تگڑا وہاں پہ کسی نے نہیں کھیلا ہے تو وہ اس کی ایک ویڈیو کلپ میں نے کافی وائرل دیکھی جب میں نے دیکھا نیچے میں نے کمنٹس پڑھے اتنا ٹرول کر گئے اس کو کہ مطلب اب میں ان کمنٹس کو یہاں پہ دہرانا نہیں چاہتا ہوں آئی ایم سوری ٹو سے اور وہ ٹرولنگ جب میں نے فیس کی تو میں نے خود کے ہاتھ سے بلہ چھوڑ دیا آگے کیا خواب رکھتے ہیں لوکل لیول تو میں نے پار کی ہے جو دیویانگ کرکٹ کنٹرول بورڈ آف انڈیا ہے انہوں نے نیشنل سطح پہ بھی مجھے ریکوگنائز کیا ہے دے آر اپروچنگ می ناؤ ایز اے پرمننٹ کمنٹیٹر فار دیئر بورڈ آپ نے کیا بولا ڈیفینیٹلی یس گورنمنٹ مجھے جاب پرووائڈ کرے یا نہ کرے اس چیز کا مجھے کوئی گلہ ہے نہیں جب مجھے تلاش تھی گورنمنٹ جاب کی تب نہیں ملی اب جب نہیں ہے تو مل کے مجھے کیا کرنا ہے میرا جو موٹیو ہے ایک ہی موٹیو ہے بس کہ میں اس ٹیلنٹ کو اس کمنٹری کو راشٹریہ انٹرراشٹریہ سر پہ نیشنل انٹرنیشنل آئی پی ایل لیول پہ ریپرزینٹ کر سکوں پریزنٹ کر سکوں